हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हमने जो बिगनर्स में अपनी पूरी सीरीज़ देखी। बिगनर्स में हार्डवेयर से लेकर के और क्लाउड तक हमने पढ़ा है। तो आपको पूरा जितने भी मॉड्यूल्स आपने यहाँ पे कवर किए, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, कुछ एडवांस टॉपिक्स मैंने कराए, उसके बाद आपको सर्वर, CCNA और लिनक्स, क्लाउड, पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करके दिया है। और अब केवल आपका एक साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी करने से पहले आपको पहले सारे मॉड्यूल्स को, जितना भी आपने शुरू से लेकर के बिगिनर्स डे वन से लेकर के अब तक जो अब आपको 194 डेज तक आपका पूरा दिख रहा है, ये पूरा सिलेबस एक बार रिवीजन करना होगा ताकि सारे जो भी जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट में डालिए, मैं उसके ऊपर आपको फिर से क्लैरिफिकेशन दूंगी। तो मैं आपको एक बार पूरा डिटेल में आज ये बताने वाली हूँ किस टॉपिक को कहाँ से, कौन से डे वन से आप शुरू करोगे, कैसे करोगे सारी चीज़ें। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि आपको जितने भी ये 200 डेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी आपने उसमें देखे मॉड्यूल, उसको आप कैसे रिवाइज करो, क्या करो, वो मैं आपको क्लियर बताने वाली हूँ। तो बिगिनर्स डे वन से हम शुरू करेंगे। आप यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजीज़ विद शिखा पे जाएंगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट में जो आपको सबसे पहला मिलेगा बिगिनर्स डे, ये देखिए प्ले ऑल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर Your boss will आपको hate you ऑप्शन for दिखाई not देगा। using PowerPoint in your next presentation meeting. यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डे वन से, देखिए ये आपको डे वन से आपको पूरा दिखाई देगा। डे वन से आपका यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो आपको टेक्नोलॉजीज विद शिखा के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर बिगिनर्स पे जाना है। तो बिगिनर्स में डे वन से, बिगिनर्स डे वन से लेकर के बिगिनर्स डे 10 तक आपको हार्डवेयर मिलेगा। तो आपको 10 दिन में ये पूरा हार्डवेयर का मॉड्यूल कवर हो जाएगा। फिर डे 11 से लेकर के डे 31 तक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिलेगा। डे 32 से लेकर के डे 35 तक आपको एमएस ऑफिस मिलेगा। 36 में मैंने एडवांस टॉपिक डाला है डायनामिक डिस्क का। डायनामिक डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको पूछा जाता है रेड फाइव क्या होता है, मिररिंग क्या होती है, फॉल्ट टॉलरेंस क्या होता है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डे 36 और डे 39 मिला के आपका डायनामिक डिस्क कवर होता है। ये आपका, क्योंकि बीच में मैंने प्रिंटर डाल दिया है कि एक व्यूअर की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि उनको इंटरव्यू के लिए प्रिंटर पढ़ना है, तो मैंने बीच में प्रिंटर डाल दिया था। तो लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर क्या होता है, ये भी आपको इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 36, 37, 38, 39 व्यूअर्स की कॉल पर मैंने आपको बीच में ब्रेक करके ये टॉपिक्स डाल दिए थे क्योंकि उनको इसकी ज़रूरत थी। तो 36 और 39 मिला के आपको डायनामिक डिस्क कवर हो रहा है आपका, और 37, 38 में लोकल प्रिंटर और नेटवर्क प्रिंटर आपको क्लियर हो जाता है। इसके बाद डे 40 से लेकर के डे 64 तक के नेटवर्क बेसिक्स के क्लासेस हैं, और इसमें आपको आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 और सबनेटिंग और वीएलएसएम, सुपर नेटिंग, ये सारी चीज़ें आपको नेटवर्क बेसिक के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो डे 40 से लेकर के डे 64 तक बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब भी आप नेटवर्क बेसिक पर लेने जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो 90% क्वेश्चंस आपको नेटवर्क बेसिक्स के ऊपर से ही पूछे जाते हैं। ओ एस आई मॉडल क्या होता है, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 में क्या डिफरेंस है, प्रोटोकॉल्स क्या है, इसका पोर्ट नंबर क्या है, फंक्शन क्या है पोर्ट नंबर का, TCP/IP मॉडल क्या है, एंड सो ऑन सो ऑन। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ से नेटवर्क बेसिक के अंदर मिल जाती हैं। तो इसके लिए आपको नेटवर्क बेसिक का डे 64 तक कवर करना है। उसके बाद डे 65 से लेकर के डे 101 तक आपको CCNA मिलता है। 65 से लेकर के 101 तक आप CCNA का मॉड्यूल अपना कवर करेंगे। CCNA आप कवर कर लोगे तो इसमें आपको सारे राउटर, स्विचेस और सारे वैन प्रोटोकॉल, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कराई हुई है। 102 से लेकर के 127 तक सर्वर है आपका,
जिसमें मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्वर के ऊपर कैसे डोमेन बनता है, क्लाइंट बनता है, WDS क्या होता है, DNS क्या है, DHCP क्या है, ईच एंड एवरी थिंग, क्लस्टरिंग, आइस कजी स्टोरेज कैसे लगाते हैं, कैसे शेयर करते हैं क्लाइंट के साथ, IIS क्या है, NLB क्या है, सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात की है। तो 102 से लेकर के 127 तक सर्वर है, 128 से लेकर के 136 डे तक हमने पाइथन की सारी वो देखे हैं, कैसे आप कोडिंग करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं ईच एंड एवरी थिंग। 137 से लेकर के 160 डेज तक लिनक्स हमने इसमें देखा है, लिनक्स के अंदर हमने रेड हैट RSCSA का कोर्स कंप्लीट किया है, RSCSA रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जिसमें SA1 और SA2 लेते हैं, इसका हमने पूरा कोर्स किया है। तो लिनक्स के 137 से 160 के अंदर लिनक्स मॉड्यूल आपका कंप्लीट हुआ है। 161 से लेकर के 166 तक हमने क्लाउड फंडामेंटल देखा है, क्लाउड फंडामेंटल 900 जो आपके AWS के साथ भी जाता है और Azure के साथ भी जाता है। तो आपको 900 में आपको क्लाउड का कॉन्सेप्ट मिला है कि क्लाउड होता क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्लाउड टाइप क्या है, क्लाउड मॉडल्स क्या हैं, इसके बाद NIST क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इन क्लाउड फंडामेंटल 900 के। उसके बाद AWS के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर SAA C02 C03 का कैरिकुलम कंप्लीट किया है 167 से 183 डेज के अंदर। तो इसमें आपका AWS का कोर्स कंप्लीट हुआ है और 184 से लास्ट तक हमने Azure के बारे में किया। अभी मैंने इसके बाद 10 डेज का आपको गैप भी दिया था क्योंकि हमने सारा मॉड्यूल पढ़ाया, पहले आपको अपने हिसाब से सारे मॉड्यूल्स को कंप्लीट करना था। तो आज मैं फिर से आपको एक बार कहती हूँ कि Day 1 से लेकर के लास्ट डे तक एक बार दोबारा सारी नोट्स बना के पढ़िए, जो भी आपको डाउट्स होता है अपने कमेंट्स में डालिए, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन उसके आपके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगी। और इसके बाद मैं आपको एक बार समराइज्ड वीडियो भी डालने की कोशिश करूँगी और साथ में हर मॉड्यूल के ऊपर आपको इंटरव्यूज क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपको क्लियर कराऊँगी। तो ये आपका पूरा जो बिगिनर्स की सीरीज़ थी, हार्डवेयर से मैंने शुरू किया था और क्लाउड तक अज्योर तक आपको कंप्लीट करके दिया है, जिसमें आप डे वाइज पूरा क्लैरिफिकेशन देख सकते हैं। किसी मिडिल में मॉड्यूल पे आपको जाना है तो मैंने डेज की इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो इस वीडियो को आप नोट्स बना के रख लेंगे तो आपको पूरे जो पूरा कैरिकुलम है उसको पढ़ने में बहुत आसानी मिलेगी। मैंने आपको कैसे बिगनर्स डे पे जाना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि आपको टेक्नोलॉजीज विद शिखा पे जाना है, टेक्नोलॉजीज विद शिखा पर आप जाएंगे और वहाँ पर प्लेलिस्ट के ऊपर आपको बिगिनर्स डे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट के ऊपर बिगिनर्स में आपको सारे डेज की वीडियोस मिल जाएंगी। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी मैं पर मॉड्यूल के हिसाब से समराइज एक बार टॉपिक्स आपको दे दूंगी और उसके बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको करा दूंगी। इसके बेस पर आप आगे की इंटरव्यू अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मैंने बता दिया पूरा मॉड्यूल रिवाइज करिए और आगे की प्रिपरेशन करिए। उसके बाद हम साइबर सिक्योरिटी पे चलेंगे क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको पूरा मॉड्यूल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, हार्डवेयर से लेकर के क्लाउड तक।